Gör Khudayan paydır rahmet, yel cihanas ay moj, bad nasiba kust emis hu, yus akha mushray moj. Diva chet, panum sokht aram arroj, jethava vachasak, sres man sava, sugay bas Kasa. Gaman gayilan hun, abur yus kasa, sugay bas akishan. हाय 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 पहले मसरत की बात है कि जिस इदारे में हम इस वक्त हैं इसका नाम है इकबाल मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल। हजरत इकबाल का नाम लेते ही मुझे याद आया उसकी नज़्म का एक शेर जो उसने अपनी माँ के नाम लिखा है, जब माँ उसकी जुदा हो गई, खाके मरकज पर तेरे लेकर ये फरियाद आऊँगा। अलामा इकबाल, खाके मरकज पर तेरे लेकर ये फरियाद आऊँगा, अब दुआई नेम शब में किसको मैं याद आऊँगा। अल्लाह ताला हमें खुद कहता है कि मैंने आपको किस नियामत से महरूम रखा, मैंने सब नियामतें आपको पेश की, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सब नियामतों का ज़रिया जो है वो हमारी माँ है, और इसी माँ की याद में आज इस अदारे ने कॉपरेशन दे दी है, इकबाल मेमोरियल स्कूल ने सागर कल्चर फोरम को, और सागर कल्चर फोरम का सदर भी जो है नज़ीर सागर साहब, वो भी इस बारे में बहुत मेहनत करता है। इस अदारे का भी शुक्रिया करना चाहिए और उनकी तंजीम का कि माँ के हक में, माँ की याद में, माँ के एज़ाज़ में, माँ की का जो मजलत है उसके सिलसिले में यहाँ इस मुशायरे का अहतमाम हुआ, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए शोरा माँ के नाम अपनी अपना खराज नजराना पेश करते हैं। आज अक्सर हमारी नज़रों में ये भी देखा जाता है कि माँ को किसी ने शादी की तो माँ अलग, बाप अलग, लेकिन माँ का मुकाम बहुत कम लोग समझते हैं। इसलिए हम इन स्कूल के बच्चों, ये खुशी की बात है कि इस स्कूल ने स्कूल का कॉपरेशन दे दी है, हम बच्चों तक भी ये पैगाम पहुँचाएंगे कि अपनी माँ को मत भूलिए। हमने अपनी माँ ने सब कुछ हमें दे दिया, और सबसे अहम चीज़ जो दुनिया में हर एक इंसान की शिनाख्त होती है वो उसकी ज़ुबान है, वो उसकी ज़बान है, और ये ज़बान भी हमें माँ ने दी है। क्या आपको लगता है सर, ऐसे प्रोग्राम्स फ्यूचर में भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए? होने ज़रूरत है, होने चाहिए, होने ज़रूरत है। मनाते हैं कई साल से, अब यह एक चेंज आ गई है कि चंद एक साल से कुछ अदबी तंजीमें या कुछ अदारे अब मनाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ज़बानी तक महदूद नहीं, ज़बान तक महदूद नहीं रखना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि मौजूदा दौर का ये तालीमी अदारा है, यह हमारी खूब मौका है कि हम बच्चे तक ये पैगाम पहुँचाएँ। हम देखते हैं अक्सर कुछ माओं के साथ जातियाँ होती हैं, हमें एहसास दिलाना चाहिए, हमें ऐसे प्रोग्राम तालीमी अदारों में, मुख्तलिफ महकमों में, समाजी तबकों में इनका एहतमाम करना चाहिए, ताकि हर एक इंसान वहाँ की अजमत को समझे और उससे रोने न दे, अपनी बढ़ापे में उसे रोने न दे, बल्कि बढ़ापे में उसकी ज़्यादा कदर करे।